नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा आइडिया। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये फैब्रिक के दो पीस लिए हैं 12x16 इंच के, और इन दोनों पीस में से दोनों को सेम ही करना है। एक पीस के नीचे मैंने फोम और अस्तर ले लिया है और इन तीनों को सिलाई करके मैं अटैच कर लूँगी। सेम इसी तरीके से हम सेकंड पीस को भी रेडी कर लेंगे और यहाँ पर बीच में क्विल्ट भी बना सकते हैं। ये मैंने ब्लाउज पीस के फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई भी फैब्रिक पड़ा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से मैं बीच में सिलाइयाँ करके क्विल्ट बना लूँगी। यहाँ पर मैंने स्क्वायर बनाए हैं, आप क्रॉस में भी सिलाइयाँ कर सकते हैं। अब एक पीस लूँगी और इसे देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे और 2x3 इंच का एक हमें मार्क करना है और इसे इस तरीके से कर्व शेप देंगे। अब आगे से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और उसे भी हम कर्व शेप देंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उसे हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगा और इसे हमें सेकंड पीस पर भी कट कर लेना है। अब मैंने लिया है एक और फैब्रिक का पीस और इसका मेजरमेंट है 16x6 इंच और इसी के साइज का मैंने अस्तर भी ले लिया है। अब इसी के साइज के 16 इंच की हमें जिप लेनी है। जिप को हम फैब्रिक के ऊपर उल्टी रखेंगे और ऊपर हमें अस्तर रखना है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर प्रेस स्टिच करने के बाद दोनों साइड रनर ऐड कर लिया है, मैंने डबल रनर ऐड किए हैं। अब यहाँ ओपन हिस्सा था, वहाँ पर भी मैंने सिलाई करके इसे पैक कर दिया है। अब इसे मिडल से हम फोल्ड करेंगे और देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो मेन हिस्सा है उसके ऊपर हम इसे इस तरीके से तीनों साइड से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिडल में जो हमने मार्क किया था वहाँ पर मैंने एक पतली सी लेस अटैच की है। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। अब सेम इसी लेस को मैं यहाँ जिप के ऊपर भी अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे बहुत ही अच्छे से 2 पॉकेट बन गए। अब मैंने एक और लिया है फैब्रिक 7x5.5 इंच का। अब इस फैब्रिक के साथ हम जिप को भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, जिप मेरी अटैच हो चुकी है। अब इसे भी हम यहाँ पर जो मेन हिस्सा हमारा रेडी था जिसमें पॉकेट लगाए थे वो नहीं, हमें दूसरा हिस्सा लेना है और उसके ऊपर इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा पॉकेट हमारा अंदर की साइड भी रेडी हो गया। अब मैंने और 2 स्ट्रिप ली है 21x3 इंच की और इसे मैं फोल्ड करके हैंगर बनाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ मिडल में इस तरीके से और फैब्रिक भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि ये काफ़ी मजबूत बनेंगे। तो ये देखिए, हैंगर रेडी है। अब इसे हमें इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। अब मैंने ली है 16x3 इंच की 2 स्ट्रिप और ये देखिए, ये स्ट्रिप आपको जो हमारा मेन फैब्रिक है उसी के साइज़ के हिसाब से लेनी है और इसे हम फिर से इस स्ट्रिप के ऊपर इस तरीके से ड्रॉ करके कट कर लेंगे। अब हमें अस्तर लेना है और इन रेडी स्ट्रिपों को अस्तर के ऊपर मैं इस तरीके से रखूँगी और देखिए, जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर जिप को हमें उल्टा रखना है और फिर अस्तर रख कर यहाँ सिलाई करनी है। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ ऊपर हमें प्रेस स्टिच करके सारा फैब्रिक अटैच भी कर लेना है। अब हमें जो सेकंड स्ट्रिप थी उसका अस्तर लेंगे, उसके ऊपर जिप की राइट साइड रखेंगे ऊपर की साइड और फिर हमें फैब्रिक को रखना है। यहाँ पर भी हम सिलाई करेंगे और इस तरीके से टर्न करना है। अब यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच करके सारे फैब्रिक को अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो भी है उसे कट कर लेना है। अब दोनों साइड से हम इसे सिलाई करके पैक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें दोनों मेन फैब्रिक लेने हैं, उसके दोनों साइड से हम सिलाई करके इसे पैक कर लेंगे और उसके बाद देखिए, मैंने एक स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप को भी हम यहाँ पर इस साइड पर अटैच कर लेंगे जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। तो ये दोनों साइड मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है जो हमने रेडी किया था अंदर के लिए फैब्रिक वो, और उसे देखिए हमें इस तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। तो दोनों जो साइड की सिलाई है उसे हम मिलाएंगे सेंटर में तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा।
अब मैंने एक और फैब्रिक लिया है, इसके साथ फोम और अस्तर भी मैंने अटैच कर लिया है, और ये है 12x4 इंच का। इसे हम फोल्ड करके दोनों साइड इसके सेंटर निकालेंगे, और फिर देखिए इसे हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर जो साइड की सिलाई है उसके साथ हमें सेंटर मिलाना है, और इस तरीके से हम सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी जो ओपन थ्रेड दिख रहे हैं, फैब्रिक दिख रहा है, उसके ऊपर मैं स्ट्रिप अटैच करके इसे पैक कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा बैग रेडी है। इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड का जो हिस्सा है उसे भी अच्छे से फिनिश करने के लिए हम यहाँ ऊपर इस तरीके से प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पूरे में दोनों साइड हम प्रेस स्टिच करके इसे फिनिश करेंगे। इस बैग में मैंने एज अ अस्तर नॉन वुवन का यूज़ किया है। आप कोई भी सिंपल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस देखिए कितनी प्यारी सी बैग हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर रेडी है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको बैग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।